दो चीजों पे चर्चा करेंगे। पहला है सुख और दूसरा है भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। शॉर्ट शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में तीनों में चर्चा करेंगे। समय अभाव है, समय कम है हमारे पास, परंतु कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा इसका बेस बता दें, उसके बाद फिर अगली बार देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। सुख के बारे में आपने कोई पहले भी क्लास करी है, कोई भक्त मुझे हिंदी में बताएगा कि आपने सुख के बारे में क्या ज्ञान प्राप्त किया, थोड़ा सा दो लाइन में, दो तीन मिनट, एक दो मिनट के अंदर कौन बताना चाहेगा? सुख के बारे में मुझे प्रभु जी ने बताया कि कल भी क्लास हुआ था, तो जो उसमें बात नहीं कही है मैं वो कहूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम लोग जब नाम जप करते हैं वो ही सुख मिलता है हम लोग, ठीक है, और गीता भागवत ये श्रवण करने से भी सुख मिलता है, ठीक है, और कुछ जो कुछ हमारा जो इच्छा है ना वो इच्छा पूर्ण हो जाती है उसमें सुख प्राप्त होता है। इच्छा पूर्ण हो जाती है तो सुख की प्राप्ति होती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला आपने। और बताइए और कुछ? चलिए, सबसे पहली बात यह है कि सुख की अनुभूति कब होती है और दुख की अनुभूति कब होती है। सुख कब महसूस होता है और दुख कब महसूस होता है? जब परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, हालात, सिचुएशंस आपके मन और शरीर के अनुकूल हों, फेवरेबल हों, तो आपको सुख की प्राप्ति होती है। मन की बात जो माता जी ने बोली अभी, इच्छा प्राप्ति, इच्छा हो गई पूरी तो सुख हुआ, मतलब आपके मन की बात हो गई तो आपको सुख लग रहा है, आपके शरीर को शांति मिली, आराम मिला तो आपको सुख लग रहा है। पर जब भी परिस्थितियाँ, जब भी हालात, जब भी सर्कमस्टांसेस, जब भी सिचुएशंस आपके शरीर और मन के प्रतिकूल होती हैं, अपोजिट होती हैं, अगेंस्ट होती हैं, तब आपको दुख की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न ये है कि हमें सुख परमानेंट चाहिए कि सुख टेम्परेरी चाहिए, हमें कैसा सुख चाहिए? टेम्परेरी मीन्स सुख आया और सुख चला गया, परमानेंट मीन्स कि सुख आए और सुख जाए नहीं, हमेशा सुखी रहें, हर क्षण सुखी रहें। हमें सुख की अनुभूति ऐसी होनी चाहिए कि हमारा मन जो है, हमारे शरीर जो है, हर समय हर क्षण सुखी रहे, ऐसा हमें आनंद चाहिए। हम सुख है कहाँ, कहाँ है, कैसे मिलेगा, कौन देगा, ये ज्ञान प्राप्त करना है, ये ज्ञान प्राप्त करना, ये ज्ञान है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावेते शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में भगवान से संबंधित नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जो कृष्ण भावनामृत में भगवान से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, वो शांति के बिना सुख भी कैसे प्राप्त हो सकता है, सुख भी कैसे प्राप्त हो सकता है? अब इसको उल्टी तरफ से लेके चलते हैं। अगर एक व्यक्ति को सुख चाहिए तो सुख के लिए शांति होनी जरूरी है, शांति होगी तो सुख मिलेगा। अगर उसको शांति चाहिए तो उसकी बुद्धि जो है स्थित प्रज्ञ होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसको बुद्धि स्थिर होगी कब होगी? जब मन वश में होगा। मन वश में कब होगा? मन वश में होगा जब इंद्रियां वश में होंगी, इंद्रियां मन के अनुसार कार्य करेंगी। इंद्रियां मन के अनुसार कब कार्य करेंगी? जब व्यक्ति भौतिक संसार से संबंध समाप्त करके भगवान के साथ संबंध जोड़ लेगा। तो सुख की प्राप्ति के लिए शांति चाहिए, शांति की प्राप्ति के लिए बुद्धि का स्थिर होना चाहिए, बुद्धि के स्थिर होने के लिए मन वश में होना चाहिए, मन वश में होने चाहिए, इंद्रियां वश में होनी चाहिए, इंद्रियां वश में होने के लिए भगवान के साथ उनका संबंध होना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस बताया गया
सुख की प्राप्ति के लिए। अब देखिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मना सम सिद्धिम परमांगता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो चार बातें कही गई यहाँ पे। एक बात कही गई कि मुझे प्राप्त करके, मतलब जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो महान पुरुष है, साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर हम कहें कि टीटू पात्रा जी जो हैं 5 लाख स्कूलों के हेडमास्टर हैं, उनके इंचार्ज हैं, सब कुछ हैं, जो इनसे मित्रता कर लेगा टीचर वो उसकी लाटरी लाटरी है। भाई हम तो टीटू पात्रा को जानते हैं, वो तो हमारे संबंधी हैं, वो हमारे मित्र हैं, सीना चौड़ा हो जाता है, मतलब वो महान व्यक्ति हो जाता है अपने मोहल्ले में, अपने समाज में। इसी तरह कोई चीफ मिनिस्टर को जानता है, कोई प्रधानमंत्री को जानता है, कोई राष्ट्रपति को जानता है, तो वो अपने आप को बड़ा एम्पावर्ड फील करता है। जिसने भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिया, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, वो भी एम्पावर्ड है। उसने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है, वो भी महान पुरुष है, महात्मा है, साधारण व्यक्ति नहीं है, महान आत्मा है। वो कैसे प्राप्त करता है? जो भक्ति योगी है, जो भक्ति के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ता है। योगी का अर्थ है जोड़ना, योग। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो जमा कर योग ऋण गुना भाग, योग मतलब होता है जोड़ना। जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ लेते हैं, भक्ति योगी है, भक्ति के द्वारा, भक्ति का अर्थ होता है भगवान की प्रेममयी सेवा। जब हम भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं, अपने आप को भगवान से जोड़ लेते हैं प्रेम के द्वारा, तब हम दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। पूर्ण, पूर्ण का अर्थ होता है 100 में से 100, 100 में से 99 नहीं, अपूर्ण हो जाएंगे। 100 में से 99.999 वो भी अपूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण का मतलब होता है 100 में से 100। अब आप एक बात बताइए, भगवान कहते हैं कि दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में, जगत टेम्परेरी है, अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा, प्रलय आएगी समाप्त हो जाएगा। अब संसार दुखों से पूर्ण है, दुखों से पूर्ण जगत में हम सुख की तलाश कर रहे हैं, तो क्या बुद्धिमान है या मूर्ख है? एक व्यक्ति बंधन के चश्मा लगा के कानों में जो है अपना लगा के टोटू अपना जाता है एक दुकान पे, दुकान से जाके कहता है कि भाई मुझे जो है एक बढ़िया सी साड़ी चाहिए, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है। दुकानदार उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, कहता साहब आपकी तबीयत तो ठीक है। बोले मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं तो अच्छा भला हूँ, आपसे एक साड़ी तो दिखाने को बोला है, कोई जुल्म तो नहीं किया मैंने। कहता साहब ये टीवी का दुकान है, यह साड़ी नहीं मिलता है, कहाँ चले आए? एक दुखों से पूर्ण संसार है, हम सुख ढूंढने चले, मूर्ख होंगे कि अकलमंद होंगे? हम मूर्ख हैं, क्योंकि हम इस सवाल सुख है कहाँ पर, उसकी भी चर्चा करेंगे। हम इस संसार में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इस संसार में सुख कैसे है? भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शात कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनीय नित्यातांत तिक्ष्वा भारत है, कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान ही सीमित और क्षण भंगुर हैं। ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, हे अर्जुन इनसे विचलित होते बिना रहने का अभ्यास कर। सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है। रात में सुखी सोए थे, सुबह उठा कर पानी की मोटर नहीं चल रही है, पानी नहीं आ रहा घर के अंदर, तो भैया वॉशरूम कैसे जाएंगे, नहाएंगे कैसे, चिंता हो गई, दुख हो गया। सुख आता है सुख जाता है, पर हमें चाहिए परमानेंट सुख, हमें टेम्परेरी सुख नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सुख चाहिए। तो यहाँ कहा जाता है कि ये अनित्य जगत है, जगत टेम्परेरी है और दुखों से पूर्ण है, हम उस दुखों से पूर्ण जगत में सुख की तलाश करेंगे, हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हम मूर्ख हैं, पर हम अकलमंद कैसे बनेंगे उसकी चर्चा अभी आपसे बाद में करूँगा। अब कहते हैं अनित्य जगत में क्यों नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। वो परम सिद्धि क्या है जिसको प्राप्त करके
आप भगवान के धाम चले जाते हो और वहां से वापस लौट के नहीं आते हो। भगवान कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पारुका है यत गतवाहि निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौट कर इस संसार में नहीं आता। फिर भगवान कह रहे हैं आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना माम उपेत्या तो कौन था पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मा जी का, निम्नतम लोक पाताल, सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। ये भगवान का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। दुख क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्र। किंतु है कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है तो फिर कभी जन्म नहीं लेता। क्यों? जन्म लेगा तो बुढ़ापा आएगा, जन्म लेगा तो बीमारी आएगी, जन्म लेगा तो मृत्यु आएगी। और भगवद गीता के अंदर चार प्रकार की तकलीफें बताई गई हैं, चार प्रकार के दुख बताए गए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, चार दुख है, जन्म होना, मृत्यु होनी, बुढ़ापा आना और बीमारी आनी, चार दुख है। अब इन दुखों से आपको छुटकारा चाहिए, कहाँ होगा? भगवान के धाम जाके। क्यों होगा ये भी बताएंगे, ये अभी आपको बताएंगे कि वहां पे जाके क्यों होगा और कैसे होगा। अब उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। वो परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि क्या है? वो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य भगवान के धाम जाके फिर लौट कर नहीं आता? हम जब किसी के यहाँ मृत्यु में जाते हैं तो हम वहाँ जाके जो है एक संदेश मिलता है कि आइए सब लोग मिलके भगवान से प्रार्थना करें कि इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। चरणों में स्थान देने का मतलब यह है कि अब भगवान के धाम से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मुक्ति की प्राप्ति हो गई, अब लौट कर इस भौतिक संसार में नहीं आएगा, भगवान के धाम में रहेगा, भगवान की सेवा में संलग्न होगा। अब भगवान कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े मुनि और भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं, इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। पदम गच्छन्ति अनामयम्, आमय का अर्थ होता है दुख, कष्ट, तकलीफ, परेशानी, टेंशन, कुंठा। अनामयम का मतलब है जहाँ दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है, दुख नहीं है, कंठा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। कहाँ है? भगवान का धाम। भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में आने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समस्याएं इसी संसार में हैं, उस संसार में नहीं। अब प्रश्न ये है कि भक्ति करें, अगर हम भक्ति करने के बाद हमें उसका लाभ क्या होगा, भक्ति करने का लाभ क्या होगा? ज्ञान प्राप्त कर लिया हमने, ज्ञान योग का मतलब ये है हमें ज्ञान के मार्ग पता लगा कि हमारे लिए ठीक क्या है, बुद्धि को हमने इस्तेमाल किया, बुद्धि को स्थिर किया, हमने ये जाना कि हमारे लिए ठीक क्या है, हमारे लिए गलत क्या है, ठीक मार्ग कौन सा है, गलत मार्ग कौन सा है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, निसार क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, करनीय क्या है, करनीय क्या है, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद हम चलते हैं आगे कि अब करें क्या, करना क्या चाहिए। तो क्या कहते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर, भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे रहकर हमको जो है इसकी प्राप्ति होती है भगवान के धाम की। अब प्रश्न ये है, हमारा अभी छूटा हुआ है कि वो कौन सी परम सिद्धि है जो हमें प्राप्त हो कि हम भगवान के धाम जा सके, कौन सी परम सिद्धि है? भगवान के धाम जाना है, मुझे आपके घर आना है, मैं कहता हूं कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, क्या मुझे अपने घर में आने देंगे आप? आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपका मेरे से संबंध नहीं, हमने कभी संबंध निभाया नहीं, तो आप मुझे दरवाजे से ही विदा कर देंगे? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पार्क में मिलता है और उसको घूमते हुए देखता है, देखता है रोज ये व्यक्ति पार्क में घूमता रहता है, संबंध नहीं बना,
बातचीत नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, उस व्यक्ति ने आपका दरवाज़ा खटखटा दिया। अब दरवाजे पे आते हो, उसका हालचाल पूछते हो, उससे बात करते हो और उसे विदा कर देते हो। अब उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई पार्क के अंदर, बगल अगल में बैठे, चर्चा हुई, नाम पता पूछा, बच्चे कितने हैं, पत्नी क्या करती है, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, वगैरह वगैरह, तो कुछ ज्ञान हो गया। अब उस व्यक्ति ने आपका दरवाज़ा खटखटा दिया, अरे ये तो हमें मिलता रहता है, इससे तो हमारी जान पहचान है, चलो इसको ड्राइंग रूम में ले चलते हैं। अब उसे बैठक में ले आए, ड्राइंग रूम में ले आए, उससे आपने बातचीत करी और बातचीत करने के बाद उन्होंने उसको विदा कर दिया। अब दरवाजे पे खटखटाहट हुई, बच्चे को भेजा गया। बच्चा कहता है, माता जी मंजू माता जी आई हैं। अपनी माँ से कहता है, मंजू माता जी आई हैं। दरवाज़ा खोलता है तो मंजू माता जी जो है, उनको माता कहती है, यहीं आ जाओ। माता किचन में काम कर रही है और मंजू माता किचन में पहुंच जाती है। माता बेडरूम में है तो मंजू माता बेडरूम में चली जाती है। क्यों? क्योंकि उस मंजू माता का उस घर की स्वामिनी से प्रेम है, गहरा प्रेम है, बचपन का प्रेम है, गहरा प्रेम है। दोनों उस प्रेम के संबंध को निभाते हैं, संबंध को निभाते हैं। इतना प्रेम है कि उस घर में प्रवेश निर्बाध, बिना किसी बाधा के निर्विवाद आप आराम से उस घर में जाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं। भगवान के धाम जाना चाहता है, अब भगवान से प्रेम नहीं है, मैं तो भगवान को जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, संबंध को निभाना कैसे है, मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो भगवान क्या अपने घर में आने देंगे? भगवान उसी को आने देंगे जिससे उनका प्रेम है, प्रेम है जिससे, वो भगवान के घर जा सकता है। तो परम सिद्धि क्या है? भगवान का प्रेम, कि भगवान आपसे प्रेम करे। मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, लड़का लड़की से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, अरे मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। लड़की कहती है, मैं तो तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं तो तुमसे प्रेम नहीं करती, तुम क्या गाना गाए जा रहे हो। मतलब प्रेम जो है वो दो तरफा होता है, इधर से प्रेम किया, उधर से प्रेम लिया। तो भगवान हमसे प्रेम करें, हमें वो स्थिति चाहिए। हम तो भगवान से प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं भगवान से प्रेम करें, पर भगवान हमसे प्रेम करें वो स्थिति चाहिए। वो स्थिति कैसे आती है, एक कहानी सुनिए। एक घर में सास और बहू में बहुत झगड़ा है। सास चाहती है बहू से छुटकारा मिले, बहू चाहती है सास से छुटकारा मिले। उस गांव में एक महात्मा जी आते हैं, वो महात्मा जी के पास सब समस्याओं का इलाज है। सास सोचती है, मैं जाके महात्मा जी से अपनी इलाज पूछूं कि कैसे बहू से छुटकारा मिलेगा, पर कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, टखनों में दर्द है, जा नहीं पाती। अब बहू जो है यंग है, फटाफट भाग के महात्मा जी के पास पहुंच जाती। महात्मा जी कहते हैं, आओ बेटा कैसी आई। बोली, ऐसे मेरी सास बहुत तंग करती है, मुझे बहुत दुख रहता है, मेरे को मेरी सास से मेरा छुटकारा करा दीजिए। बोले, छुटकारा करा दूँ? बोले, करा दीजिए। मार दूँ क्या? बोली, मार दीजिए। ये लो ये पुड़िया, जाके सास को खिलाना, तुम्हारी सास मर जाएगी। पुड़िया लेके चलने लगती, महात्मा बहुत अच्छा है, फट से इलाज बता दिया, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, सास मर जाएगी, मैं खुश हो जाऊँगी। चलने लगती है तो महात्मा जी रोक लेते हैं, बोले, ये बताना कि पुलिस किसे पकड़ेगी। रोने लग जाती है, मेरे घर में तो मेरे सिवाय और कोई है नहीं, सास का दुश्मन तो मैं ही हूँ, तो पुलिस मेरे को पकड़ेगी। जब पुलिस तुमको पकड़ेगी तो तुम तो फांसी लग जाओगी, फिर मैं क्या करूँ, इस समस्या का हल बताइए। बोले, पुड़िया वापस कर दीजिए। पुड़िया वापस ले ली। ये बेकार महात्मा, इसे कुछ आता ही नहीं, कभी पुड़िया देता है कभी पुड़िया लेता है, इसे कुछ नहीं आता, ये दूसरी पुड़िया ले जाओ। बोली, महात्मा जी इसमें क्या है? इसमें धीमा जहर है, हल्का, ये रोज रात को एक चुटकी अपनी माँ को सास को पिला देना और एक साल में वो मर जाएगी। बड़ा मुश्किल है, मैं तो उसको एक दिन नहीं झेल पा रही हूँ, आप एक साल की बात करते हो। भाई देखो, करना तो पड़ेगा। पुड़िया लेके चलने लगी, महात्मा जी ने फिर पूछा, ये बताओ कि एक साल के बाद पुलिस किसे पकड़ेगी तुम्हें। बोले, इसका हल बताओ।
इसका हल ये है कि सास की सेवा करना। एक साल में सास का प्रेम जागृत कर दो, एक साल में सास का कहना मानो, ताने मत मारो, कमेंट मत करो, उसके अपोजिशन में मत जाओ, जैसा सास कहे वैसा करो, उसकी सेवा करो, प्रेम से सेवा करो। एक साल के बाद आई, महात्मा जी ने कहा अच्छा 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 तुम भाई हो ना जो सास को मारने की पुड़िया ले गई थी। बोली हाँ। बोली रिश्तेदारों को बुला लो, आज तो शमशान घाट जाना है, सास तुम्हारी मर जाएगी आज, उसको अपना फूंक देना है, रिश्तेदारों को बुला लो, शमशान घाट बुक कर दो, काम खत्म। रोने लग गई, लंबे लंबे आंसू बहा गए, उसके चरणों में गिर गई। बोले महात्मा जी मेरी सास को बचा लो। बोले क्यों बचा लो, कभी मारने की बात करती कभी बचाने की बात करती। कहती मैं चाहती हूँ कि मेरी सास को बचा लो। बोले अच्छा तुम्हारी सास को बचा लूँ, अच्छा जाओ तुम्हारी सास नहीं मरेगी, पर बचाऊँ क्यों ये तो बताओ। बोले मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मेरी सेवा चलती नहीं है, मुझ पर कभी कमेंट नहीं करती है, मेरी सास मेरा कहना मानती है, जो मैं चाहती हूँ वो करती है। महात्मा जी कहते हैं जाओ तुम्हारी सास नहीं मरेगी। अरे महात्मा जी वो जो आपने पुड़िया खिलाई थी, साल भर में उसे पुड़िया खिलाती रही, उससे क्या असर होगा, मरेगी नहीं सास। अरे बेटा वो तो हाजमे की पुड़िया थी, पेट ठीक रखने के लिए, मैं मारने के लिए थोड़ा आता हूँ, मैं तो लोगों को प्रेम का संदेश देने आता हूँ, मैं मारने नहीं आता हूँ। अच्छा तो ये प्रेम जागृत हुआ कैसे, सेवा से। भगवान से प्रेम जागृत होगा कैसे, सेवा से। भगवान आपसे सेवा लेंगे इसका मतलब है आपसे प्रेम करते हैं, अगर आपसे सेवा नहीं लेते हैं तो आपसे प्रेम नहीं करते हैं। अब आपके पास परम सिद्धि आ गई कि आपको भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हो गया, आप भगवान के धाम जाने में सक्षम हो गए, पर सुख वहाँ क्यों है, प्रश्न यह है कि वहाँ सुख क्यों है, तो भगवान क्या कहते हैं। वह वंश जीवलोके जीव भूत है सनातनी मन श्रेष्ठा इंद्रियानी प्रकृष्ठानी करती, कि जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है, मतलब हम भगवान के अंश हैं, तो अंश होने के बाद ये भगवान के धाम से आए हैं, हम भगवान के धाम से आए हैं। अब सुख व्यक्ति को अपने घर में मिलता है या पराये घर में मिलता है, मेरा ओरिजिनल होम मेरा असली घर भगवान का धाम है, असली घर भगवान का धाम है। मैं 5-स्टार होटल में रह लूँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, फिर अपने घर की याद आएगी, चलो घर चलते हैं, अपने घर में चलते हैं, अपने घर से बढ़िया कोई जगह नहीं है। टूटी चारपाई में भी अपने घर के अंदर वो आनंद मिलता है जो 5-स्टार गद्दे का 5-स्टार होटल में नहीं मिलता। मेरा ओरिजिनल घर भगवान का धाम है, तो सुख की प्राप्ति कहाँ होगी। अनामयम पदम गच्छन्ति अनामयम, सुख की प्राप्ति होगी जब मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा, परमानेंट सुख है, वहाँ जाने के बाद दुख नहीं है। इस संसार में सुख है टेम्परेरी है, उस संसार में सुख है परमानेंट है। अब मुझे परमानेंट सुख की प्राप्ति हो रही, मुझे भगवान के धाम जाना है, और जाने का मार्ग एक ही है, वो एक मार्ग क्या है, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा। सेवा के द्वारा ही भगवान के धाम जाया जा सकता है, सेवा के बिना भगवान के धाम नहीं जाया जा सकता। अब मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे को भगवान का सानिध्य यहां प्राप्त हो जाए, इस संसार में प्राप्त हो जाए, वहां जाएंगे तो देखी जाएगी, तब की बात भी देखी होगी, इस संसार में प्राप्त हो जाए, तो यहां पर जो है भगवान का सानिध्य मुझे कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे समझना चाहिए कि भगवान है कौन, भगवान का नाम क्या है। हम चर्चा तो कर रहे हैं, भगवान का नाम तो जानना चाहिए, भगवान है कौन। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान रोशनी का पुंज है, भगवान एक रोशनी है, भगवान ये है, भगवान वो है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कुछ अलग अलग जगह बताते हैं, भगवान है कौन। तो भक्त जो है ईशोपनिषद में प्रार्थना करता है, हे भगवान हे जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका है, कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपने दर्शन दीजिए। भक्त जो है भगवान के दर्शन करना चाहता है, भगवान के अंगों की जो कांति है जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, वो भगवान के आगे आवरण पैदा कर देती है, जिससे जो है उस आवरण को पार करके भक्ति जा सकता है और कोई नहीं जा सकता।
जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य हो, संपूर्ण धर्म हो, संपूर्ण यश हो, संपूर्ण श्री हो, संपूर्ण ज्ञान हो, संपूर्ण वैराग्य हो, छह वस्तु को कहते हैं भग। भव मतलब भर्ता, काम इस गति, भर्ता मतलब पालन पोषण करने वाला, गति मतलब चलाने वाला, जिनमें ये सब हो उसे भगवान कहते हैं। विष्णु पुराण से ही उल्लेख आया है। उसके बाद जो उत्पत्ति और प्रलय के भूतों को आने और जाने की विद्या और अविद्या को जानता है उसे भगवान कहना चाहिए। अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मेरे से ही उद्गम होता है, सब कुछ मेरे से ही प्रकट होता है, इस बात को जिसने स्वीकार कर लिया है वो भगवान को जान सकता है। ईश्वर है परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम, कि गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनका सच्चिदानंद शरीर है, वे सबके आदि हैं, मतलब बिगिनिंग सबकी वही है और उनका कोई आदि एवं समस्त कारणों का कारण है। अहम सर्वस्व प्रभु, समस्त कारणों के कारण है। अब हम कहते हैं हम तो मंदिर में जाते हैं, वहां तो दसियों भगवान बैठे हुए, भगवान नहीं है, देवता है, भगवान एक ही है, एक ही है। कौन है? एते चांच कला पुंश है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है और कोई नहीं। जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया, ये ज्ञान है, ये ज्ञान योग है, ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हृदय का कलमश खत्म हो जाएगा, गंदगी समाप्त हो जाएगी, ये बात समझ में आ जाएगी बुद्धि योग के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मेरी बुद्धि स्थिर हो गई कि मुझे जो है भगवान के धाम जाना है या भगवान का सानिध्य इस धाम में प्राप्त करना है। यहाँ भी भगवान मिल सकते हैं मेरे को, ऐसी बात नहीं है, पर कैसे मिलेंगे वो मुझे जानना है। आत्मबोधनी में उल्लेख आता है देवकी ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदन है, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष है, ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत है। देवकी पुत्र ही ब्रह्म है, अर्थात देवकी पुत्र ही भगवान है। मधु नामक असुर का वध करने वाले ही भगवान हैं, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ी के समान है वही भगवान हैं, और जो अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते, अपनी स्थिति में बने रहते हैं वही भगवान हैं, और जो भक्तों की रक्षा करने से नहीं चूकते वही भगवान हैं। अब आती है चर्चा कि भगवान जो सबसे महान हैं वो भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। पुरुषे से परे पार्था भक्त्या लभत सन्निवाय, ये ययांत स्थानी भूतानी ये सर्वमिदम तवम, कि भगवान जो सबसे महान है भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ज्ञान योग रास्ता बताता है, भक्ति योग पहुंचाता है। आप स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई बाइक मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई कार पे जा रहा है, कोई बस पे जा रहा है। कार आपकी दुकान के अंदर नहीं जाती, बाहर रह जाती। कार स्कूल के अंदर नहीं जाती, इस क्लासरूम में कार जा रही है, क्लासरूम में कार नहीं जाती, बाहर रह जाती। मतलब आपका उस जगह पर पहुंचने का साधन है गाड़ी, गाड़ी साधन है, गाड़ी लक्ष्य नहीं, लक्ष्य में पहुंचने का तरीका नहीं है। पढ़ाई तो क्लास में होनी है, पर साधन बस है, कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, वो साधन है। तो ज्ञान योग जो है साधन है, ज्ञान योग सुप्रीम नहीं है, ज्ञान योग साधन है, भक्ति योग भगवान के पास पहुंचने का मार्ग है। ज्ञान योग आपको मार्ग बताता है कि कैसे भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो भक्ति योग के द्वारा भगवान के पास पहुंच सकते हो। अब इसके बाद चर्चा आती है कि शांति चाहिए, शांति, शांति कब मिलेगी? शांति मिलती है कि दूसरे अध्याय के 70वें 71वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में आप पढ़िएगा, आपको चर्चा मिलेगी कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, नदियां चलती रहती हैं, प्रवाह होता रहता है, समुद्र में जाके समा जाती हैं, इस तरह इच्छाएं आपके मन में आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, या तो आप उनको पूरा करो या उनको तुष्ट ना करो, पर इच्छाएं आ रही हैं। पर उससे बढ़िया सिचुएशन क्या है? भगवान कहते हैं विहाय कामान ये सर्वान पुमार चरती निष्प्रह निर्मल निरंकार सह शांति में अधिगच्छति, जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, उसमें इच्छाएं है ही नहीं, एक ही इच्छा है बस भगवान की सेवा, एक ही इच्छा है
कि किस प्रकार से अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर सकूं। उसमें भौतिक संसार के अंदर आनंद लेने की, भोगने की कोई इच्छा नहीं, इच्छाओं से रहित है। जिसने सारी ममता त्याग दी है, अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है, उसी को शांति मिलती है। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति में अपनोति नैष्ठिकम् अयुक्त काम कारे न फलो सक्तो निबद्धते। निश्चल भक्त मतलब जो भक्त जो है अपनी पोजीशन से विचलित नहीं होता, भक्ति में लगा रहता है, निश्चल है, वह अपने समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। अपने आनंद के लिए कोई कर्म नहीं करता, अपने भोग के लिए कोई कर्म नहीं करता। जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने फल का शम कामी है, वह बंध जाता है, क्योंकि उसे शांति नहीं होती। अब भगवान कहते हैं कि आपको अपनी बुद्धि को स्थिर करना है। शांति की बात हो गई, बुद्धि के स्थिर करने की बात हो रही है। बुद्धि कब स्थिर होगी? यह सर्वत अनभि स्नेह तत्त प्राप्त शुभम ना अभिनंदति ना द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, दुख की प्राप्ति से शोक नहीं करता, घृणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ है, हर समय समान भाव में रहता है। स्थिति अनुकूल हो तब भी भगवान की सेवा करनी है, स्थिति प्रतिकूल हो तब भी भगवान की सेवा करनी है, ऐसा भक्त जो है वो स्थिर बुद्धि होता है। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि जो है स्थिर है, स्थिर बुद्धि है तो शांति प्राप्त होती है। उसके बाद कहते हैं कि ध्यायतो विषान पुंसा संगते शुभ जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भक्ति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति विषांत बुद्धि नाशो भुक्ति नाशात प्रशति। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य जीवन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इच्छाएं कब प्रकट होती हैं? जब आप किसी वस्तु के बारे में सुनते हो, उस वस्तु को देखते हो, तो आपकी उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होती है तो प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, इच्छा हो जाती है तो कर्म होता है। कर्म अगर आप उसको कर्म को शास्त्र के अनुसार करते हो तो पुण्य फल मिलता है, शास्त्र के विरुद्ध करते हो तो पाप फल मिलता है। दोनों स्थितियों में भोगने के लिए शरीर चाहिए, फंस गए फिर तो। आपका मन जो है वो विषयों के चिंतन से दूर रहना चाहिए। क्या है विषयों का चिंतन? किससे होता है? इंद्रियों से। तो इंद्रियां वश में होनी चाहिए, तो मन वश में हो जाएगा, इंद्रियां वश में हो जाएंगी। यही कहा है तानि महतानि सर्वानि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, आपने इंद्रियों को भटकने नहीं देना है, भटकने नहीं देना है, उनके आकर्षण की चीज से दूर रखना है। ये छठे अध्याय में पढ़ेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है इंद्र विषयों को इंद्रियों से संयोग नहीं, वियोग कर देना है, डिसोसिएट कर देना है। और अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो मन वश में होगा, स्थिर बुद्धि हो जाएगा। मन वश में करने के लिए इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। अब भगवान कहते हैं बुद्धि कब स्थिर नहीं होती, बुद्धि क्यों भटक जाती है? उसका कारण है मन और इंद्रियां। कैसे? जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा कर ले जाती है। नाव है, खूब तेज वायु वही चप्पू उप्पू सब फेल, वो पाल उसको खींच के ले जाता है, दूर ले जाता है। इसी तरह जब इंद्रियां भटकती हैं, किसी एक विषय पर लग जाती हैं, किसी एक चीज पर लग जाती हैं, तो उसकी बुद्धि को हर लेती है। मन जो है वो विचलित हो जाता है और बुद्धि को हर लेता है। अब आपको सवाल यह है कि भगवान के धाम तो जाने की बात हो गई, अब भगवान मेरे पास कैसे आएंगे? मैं चाहता हूँ भगवान मुझे प्राप्त हों, यही रहें इसी संसार में। तो भगवान क्या कहते हैं? अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य शय तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, निरंतर लगातार मेरा स्मरण रहना चाहिए, तस्मात सर्वेशु कालेषु हर काल में मेरा स्मरण रहना चाहिए। मन मना भव मत भक्तो, मतलब मन को मुझे दे दो, मन में तुम्हारे मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण तुम्हारे लिए असहनीय हो जाए। जो व्यक्ति निरंतर मेरा स्मरण करता है, मेरा कौन? श्याम सुंदर कृष्ण जो तुम्हारे सामने रथ पर उपस्थित है, उसका स्मरण, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ मीन्स ईजिली अवेलेबल। कैसे ईजिली? तुमने पुकारा और हम चले आए। उत्तरा ने पुकारा, भगवान चले आए। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान चले आए। मेरा निरंतर स्मरण करने से, क्यों?
तो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है, हर समय मेरी भक्ति में लगा हुआ है, हर समय मेरा स्मरण कर रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, कि अब श्रवण करता है, कथा सुनता है, भगवद गीता सुनता है, भागवत सुनता है, डिसिप्लिन सक्सेशन से, परंपरा से, किसी शुद्ध भक्त से, किसी सीनियर डिवोटी से कथाएं सुनता है। उसके बाद जब कथा सुनता है तो उसका मन पलटता है, भौतिक संसार से हटक के अब भगवान के प्रति लगता है, भगवान के प्रति, भगवान के समीप हो जाता है, भौतिक संसार से दूर हो जाता है, भगवान के सम्मुख हो जाता है, भौतिक संसार से विमुख हो जाता है, भगवान की तरफ मुख हो जाता है, भौतिक संसार की तरफ पीठ हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, अनन्य, अनन्य मतलब अन्य, जिसके अंदर अन्य कोई भी नहीं, अपना शरीर भी अन्य है, भौतिक संसार से बना हुआ है, भौतिक सृष्टि से बना है, भौतिक प्रकृति से बना हुआ है, वो भी अन्य है। आपका मन केवल मुझ में लगना चाहिए और किसी में नहीं, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, तुम पुकारोगे और मैं चला आऊँगा, तुरंत चला आऊँगा। द्रौपदी ने कहा कृष्ण से, मेरा चीर हरण हो रहा था, आप लेट आए। कृष्ण ने कहा याद करना, जब तुम्हारा चीर हरण हो रहा था, तुम्हारा चिंतन किसमें था? अपने पतियों में, मेरे में नहीं था, मैं तुम्हारे चिंतन से दूर हो गया था, तुमने पतियां का स्मरण किया, मेरे पति मुझे बचा लेंगे, नहीं बचा पाए, हम दास हो गए हैं, स्वामी के आदेश का पालन करेंगे, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। गुरुजनों को देखा, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, नहीं बचा पाए। राजा की ओर देखा, राजा ने भी मुंह फेर लिया। पितामह की ओर देखा, पितामह ने भी मुंह फेर लिया। फिर अपने हाथों से धोती को पकड़े रही, अपने दांतों से धोती को पकड़े रही, नहीं, अंत में उसने एक हाथ से मुझे पुकारा, हे गोपेश, हे गोपी का कांत। फिर दोनों हाथ छोड़ दिए, हे गोपेश, हे गोपी का कांत, हे द्वारका वासिन, हे द्वारकाधीश, अब तो मुझे बता द्रौपदी, मेरी बहन है तो कृष्ण कहता हूँ मैं तुम्हें, तूने द्वारकाधीश को पुकारा, तूने द्वारका वासिन को पुकारा, अरे मैं तो सर्वत्र हूँ, तो तेरे बगल में खड़ा था, पर इन चमड़े की आंखों से तू देख नहीं सकती मेरे को, जब मैं दिव्य दृष्टि दूंगा तभी मुझे देख पाएगी, जब मेरी आशीर्वाद होगा, जब मेरी कृपा होगी तभी मुझे देख पाएगी, तो उस दिव्य दृष्टि से मुझे देख पाना संभव था, वो दृष्टि तेरे पास नहीं थी तो मुझे देख नहीं पाई, परंतु तूने द्वारका वासिन को पुकारा है, भगवान मजाक करते हैं, अब टिठोली कर रहे हैं, तूने द्वारकाधीश को पुकारा है, तो मैं पहले द्वारका गया, फिर द्वारका से लौट के आया, फिर लेट हो गया, मैं तेरे को मैंने लेट मिला हूँ, उत्तरा ने मुझे तुरंत पुकारा था, मैं तुरंत आ गया था, ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दी थी। तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता, तो जब आप भगवान से संबंध स्थापित कर लेंगे, कृष्ण के प्रेम के भाव में, वैर के भाव में नहीं, रावण ने वैर के भाव में किया राम जी से, कुंभकर्ण ने वैर के भाव में किया राम जी से, कंस ने वैर के भाव में किया, शिशुपाल ने वैर के भाव में किया, पौंड्रक ने वैर के भाव में किया, काल यवन ने वैर के भाव में किया, और दंत वक्र ने वैर के भाव में किया, पर भगवान क्या कहते हैं, प्रेम के भाव में, प्रेम, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगंतम इन वामो भयंती थे, जो प्रेम से प्रीति पूर्वक निरंतर मेरा भजन करते हैं, निरंतर उनको मैं बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य बुद्धि देता हूँ, तदामि बुद्धि योगंतम, मैं दिव्य बुद्धि देता हूँ। अब आप एक बात बताइए, फाइनली भगवान साधारण है कि भगवान दिव्य हैं? दिव्य हैं भगवान, दिव्य भगवान के मुख से जो शब्द निकलेंगे वो साधारण होंगे कि दिव्य होंगे? आपकी बुद्धि साधारण है तो साधारण बुद्धि से आप दिव्य वाणी कैसे समझ सकते हो? आपको दिव्य बुद्धि चाहिए। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम, जो निरंतर मेरा प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक भजन करता है, प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक मेरा निरंतर भजन करता है, निरंतर मेरी सेवा करता है, उसको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ, और दिव्य बुद्धि प्राप्त करके वो मेरे दिव्य शब्दों को समझ सकता है और उसके ऊपर चल सकता है, उसको ज्ञान प्राप्ति होती है, फिर वो भक्ति योग में आता है। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद आदमी को, व्यक्ति को पता लगता है कि मुझे कर्म कैसे करने चाहिए, मुझे कर्म करना चाहिए कि विकर्म करना चाहिए, कि मुझे अकर्म करना चाहिए, मुझे भगवान के प्रति कार्य करना चाहिए कि अपने प्रति कार्य करना चाहिए,
अपने कॉन्शियसनेस को, अपने अपनी भौतिक कॉन्शियसनेस को फुलफिल करने के लिए कार्य करना चाहिए या आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस भगवान के लिए मुझे कार्य करना चाहिए, ये फैसला करना व्यक्ति के हाथ में है। इसलिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। सब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अल्टीमेट लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, और भगवान को प्राप्त इस जीवन में करना है तो अलग बात है, और अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है मृत्यु के बाद तो अलग बात है। अब एक व्यक्ति कहता है कि भगवान ने भगवद गीता में एक बड़ी टेढ़ी बात कह दी। वो टेढ़ी बात कह दी, बोले क्या टेढ़ी बात कही? अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नास्तस्य संशय। कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, मतलब मेरे धाम आ जाता है। मतलब जीवन के अंतिम क्षण में आपको भगवान का स्मरण करना है, आप तो बेहोश हो, आईसीयू में पड़े हुए हो, एक्सीडेंट हो गया है, उस समय से पहले मृत्यु हो गई, समझ में नहीं आई बात, हार्ट अटैक हो गया है, सडनली डेथ हो गया है, तो कहाँ भगवान का स्मरण कर पाए? इसका मतलब भगवान के धाम नहीं जा सकते। फिर ये कहते हैं यम यम व्यापी स्मरण भावा त्यजंते कलेवरम तम तम मैति कौनता है सदा तद्भाव भाविता। कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब भरत महाराज ने हिरण का स्मरण किया तो हिरण की रोणी प्राप्त करी। अब अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो पाए ये जरूरी नहीं है, तो भक्ति करूँ क्यों, जप करूँ क्यों, सेवा करूँ क्यों, क्या आवश्यकता है करने की? अंत तो पता नहीं कैसा होगा, कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान ने टेढ़ी बात कर दी, ये तो संभव है ही नहीं। नलकियां लगी हुई हैं, वेंटिलेटर लगा हुआ है, सांस बंद है, होश है नहीं, भगवान का स्मरण कहाँ से होगा? इसके लिए वराह पुराण में दो श्लोक आते हैं। उसमें जो है भगवती वसुंधरा अर्थात पृथ्वी जो है साकार रूप धारण करके वराह भगवान के पास जाती है और उनसे प्रश्न करती है कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति वात आदि दोषों से छाती घुरघुर करती है, सांस लेने में सक्षम नहीं होता है, उसको सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है, आपका स्मरण करने में समर्थ नहीं रहता है, जिन जीवन के अंतिम समय में आपका नाम नहीं ले पाता, आपका स्मरण नहीं कर पाता, उसकी गति क्या होती है? तो आपके धाम आ ही नहीं सकता। वराह भगवान उत्तर देते हैं स्थिरे मनसी सुस्वस्थे शरीरे सति यो नरा धातु साम्य स्थिते स्मार्ता विश्वरूपम च माम भजनम ततस्तम प्रिय मानम तो काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामी मेयंकम नयामी परमाम गतिम कब वाता दे निदोषे न मद्भक्तो न च माम स्मरे तस्या स्मरा अहम न चेत कृत घनो नास्ती मत परा। ये दो श्लोक है वहाँ पे। वराह भगवान कहते हैं कि जो भक्त स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, उसे अंतिम समय में कफ वातोदि दोषों के कारण चेतना नहीं रहती और सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति पड़ा रहकर मेरा चिंतन करने में, मेरा स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, तब अगर मैं उसका स्मरण ना करूं तो मुझसे बड़ा कृतघ्न और कोई नहीं होगा, इसलिए मैं उसका स्मरण करता हूं, उसे अपने धाम ले जाता हूं। ये जप करने का फायदा है, ये भगवान का निरंतर स्मरण करने का फायदा है। एक क्षण के लिए भी भगवान कहते हैं तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्ध चाहे, मेरा चिंतन करते हुए कर्तव्य पालन करो। भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्तव्य पालन करते हुए मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करते हुए कर्तव्य पालन का मतलब है मेरा चिंतन मुख्य है और कर्तव्य पालन गौण है, सेकेंडरी है। हम भगवान का चिंतन थोड़े अर्से के लिए करते हैं, घंटा दो घंटे तीन घंटे, उसके बाद संसार चिंतन करते हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे सोते हैं, 2 घंटे भगवान का चिंतन करते हैं, 10 घंटे हो गए, 14 घंटे संसार का चिंतन करते हैं, तो मृत्यु के बाद संसार मिलेगा कि भगवान मिलेंगे?
ये बात सोच के चलना। ये है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बाद ज्ञान के अनुसार कर्म करने हैं। जब चौथा अध्याय पढ़ेंगे कि जन्म और कर्म के बारे में जब चर्चा होगी, जब ये चर्चा होगी कि कर्म के सकाम कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, जो कर्म को अकर्म समझता है, अकर्म को कर्म समझता है, वही बुद्धिमान है। जब ये बातें समझ में आएंगी, जब इन बातों पर चर्चा करेंगे, तो आपको एक आनंद की प्राप्ति होगी, जो परमानेंट आनंद होगा। फिर आपको इस भौतिक संसार में आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद प्रभु। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। प्रभुजी माने कि लक्ष्मण कहले पचारंतु प्रभु जी किसी का भी प्रश्न हो तो पाद सेवक प्रभु आप मुझे समझा दीजिएगा।